हाल ही में मुंबई में भोजपुरी सिनेमा अवार्ड्स का आयोजन किया गया जहां पर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी स्टारर फिल्म लिट्टी चोखा को कई सारे अवार्ड्स मिले फिल्म लिट्टी चोखा के निर्माता प्रदीप के शर्मा सर मेरे साथ है जो काफी खुश है सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू बहुत सारे थैंक यू uh, और लहरें के माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों की वजह से लिट्टी चोखा को इतने अवार्ड्स मिले तो ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे ऊपर अपनी कृपा लिट्टी चोखा जैसे कि फिल्म काफ़ी चर्चाओं में थी जी, रिलीज जी, हुई तो काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई जी, जी, आपने तब सोचा था कि इतने सारे अवार्ड्स मिलेंगे फिल्म को न, मैंने नहीं नहीं शुरू में नहीं सोचा था मैं गलत क्यों बोलूँ क्योंकि बहुत सी फिल्में आ रखी थी सब था तो लेकिन जब ये चली फिल्म चली तो बहुत चली तो उसके बाद लोगों को पसंद आया काम पसंद आया सबको काम पसंद आया तो मुझे लगने लगा कि नहीं कहीं ना कहीं दो चार अवार्ड तो लाएगी लेकिन इतने लाएगी इसका तो मैं, मैंने नहीं सोचा था अवार्ड्स मिले इतने सारे हाँ। आ, टी, टीम टीम में मेंबर्स से क्या 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 कहा आपने जैसे कि खेसारी जी से बात हुई होगी कि आपकी फिल्म को इतने सारे अवार्ड्स मिले कुछ बात हुई इस बारे में हाँ हाँ बिल्कुल हुई खेसारी जी ने तो छूटते ही बोला वॉइस मैसेज भेजा मेरे को गुरु छाए हुए हो सब जगह छाए हुए हो लिट्टी चोखा अपनी देखो कितनी सब जगह सब अवॉर्ड जीत रही तो मैंने कहा जहाँ खेसारी लाल हैं और वहीं पर सब कुछ है तो आप मेरे साथ हो ये मेरे लिए गर्व की बात है और मैंने उनको इस तरह से बात की उनको भी शुभकामनाएँ दी और अगली फिल्म विधाता के लिए हमने चर्चा की अवार्ड शो में जैसे कि खेसारी जी नहीं थे वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं बोल राधा बोल की काजल राघवानी आपके साथ वहाँ थी अवार्ड शो में उन्होंने परफॉर्म भी किया आ, उनसे बात हुई उन, 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 उनके उनसे क्या बात हुई कुछ बताएंगे नहीं का, उतनी भीड़ थी और वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त थी तो उनसे बातें ज़्यादा नहीं हुई बस हाय हेलो हुआ हाथ मिलाना ये सब हुआ और बट नेचुरल था कि उनको मिलने वाला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो वो बड़ी खुश थी खुश थी पूरे दांत दिखाए थे अपने जी पूरी टीम जैसे कि लिट्टी चौगा की पूरी टीम को आ, कुछ पार्टी शार्टी होने वाली है अगर इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं तो बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ मैं उस समय भी हो होली के टाइम में भी बोला था मैं करना चाहता हूँ क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेहनत की और सब एक जगह इकट्ठा होकर अगर कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं हंसी खुशी का ही और तो मैं ज़रूर करूँगा खेसारी जी आने वाले हैं शायद दो चार दिन में आने वाले हैं और यहाँ दस पंद्रह दिन रहने वाले हैं उस बीच में हम लोग करेंगे कुछ जम के करेंगे अवार्ड शो जब होने वाला था तब आ, काफी चर्चाएं थी कि बहुत सारे स्टार्स आएंगे पवन जी आएंगे खेसारी जी आएंगे दिनेश जी आएंगे जी। लेकिन कोई पहुंचा पा, नहीं चिंटू जी नजर आए काजल राघवानी ही नजर आई कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दर्शक उस उन लोगों का इंतजार कर रही थी अपने दर्शक अपने चहीते स्टारों का इंतजार कर रही थी लेकिन वो नहीं पहुंचे मैं इस बात में ये बोलूंगा कि वो लोग मुझ जबानी जो होती है दो चार लोग आपस में बात कर रहे थे कि पवन जी से बात हो गई है चाहे कोई और आएंगे लेकिन स्टार एक तो बिजी होते हैं और उनको बुलाने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है मतलब अगर वो कहीं हैं सूट कर रहे हैं तो अगर आप उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हो कि जिस टाइम कि वो टाइम्स हैं और फिर वापस थोड़ा तो टाइम से अपना पकड़ लें तो इस वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं नहीं आ पाते हैं बस यही बात होती है कि स्टार लोग चूक जाते हैं एवार्ड शो में तो ये बात होती है जैसे कि लिट्टी चौखा काजल राघवानी और खेसारी जी की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया क्या फिर से दोनों की जोड़ी आप साथ में लेकर आने वाले हैं भाई सब बवाल हम ही करें क्या अब सोचिए आप मैं अक्षरा जी को लाने के लिए वो विधाता कर रहा हूँ उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा है और अक्षरा जी आएंगी तो अभी उसी में, में मेरे को खुश होने दीजिए मैं नहीं चाहता कि आप बैल मुझे मार मैं अभी उसमें नहीं पढ़ूँगा सच बात है जी हाल ही में जैसे कि अक्षर जी से आपकी मुलाकात हुई आपने आ, पोस्ट भी शेयर किया था सोशल मीडिया पर आ, क्या बात हुई क्या चर्चाएं हुई क्या फिल्म फिल्म को लेकर बात, बात हुई हाँ बिल्कुल बोलो अक्षरा जी से मेरे घर घर जैसा रिश्ता है वो मेरे घर पर आती हैं मेरी बेटी सिंगर है उनके साथ उनकी बहुत बनती है और तरह तरह की पारिवारिक बातें होती है तो उनका आना जाना मेरे यहाँ लगा रहता है और फिल्म के बारे में भी चर्चा होती है अभी मैं जस्ट एक फिल्म अप्रैल में उम्मीद है उनके साथ कर रहा हूँ विधाता तो है ही तो इस तरह से उनके साथ एक दो प्रोजेक्ट तो जल्दी ही करने वाला हूँ मैं कहाँ तक पहुँची है विधाता की कहानी जैसे कि आप पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि कहानी पर खेसारी जी काम करेंगे तो कहाँ तक पहुँची है वो कहानी वो सब पहुँची हुई है वो सब लिखी हुई है सब पहुँची हुई है बस वो आके टिक करेंगे ये ठीक है ये ठीक है इसको ऐसा कर दो उसको जो उनका अधिकार है क्योंकि स्टोरी उनकी है तो वो उस हिसाब से जब सेट कर लेंगे सब सजा लेंगे तुरंत चालू हो जाएगी तुरंत मतलब एकदम लास्ट लास्ट स्टेज स्टेज में में बिल्कुल विधा था आज ही मेरी बात हुई है तो मैं एकदम कन्फर्म बोल रहा हूँ कि जल्दी मैं डेट बता दूंगा मतलब खेसारी जी और अक्षरा जी की फिल्म विधाता जल्द शुरू होने वाली हंड्रेड परसेंट कहाँ लोकेशन कहाँ होंगे शूटिंग कहाँ का कहाँ की प्लानिंग जी जी मैं उत्तर प्रदेश में ही करता हूँ उधर ही करूंगा और चाहे इलाहाबाद हो चाहे वाराणसी हो या लखनऊ हो तीन जगह में कहीं करूँगा तैयारी मतलब शुरू हो गई है मेरी तो पहले पाँच नवंबर से तैयारी है लेकिन अब बॉस का कुछ आदेश आए तो फिर करें खेसारी अच्छा, जी जैसे कि बोल बोल रहा था, बोल रहा था की शूटिंग कर करेंगे उनके काफी सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं उनके नए लुक के फोटोज वायरल हो रहे हैं आपने देखे आपको पसंद है हाँ क्यों नहीं मेरा हीरो है मेरे लोग हैं जो बना रहे हैं मेरे अपने हैं तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं एक नए लुक के साथ कर रहे हैं और मुझे बहुत पसंद आया आ, और डायरेक्शन के लिए क्या बोलूँ पराग जी तो वहाँ हैं ही तो एक्सेलेंट हो रहा होगा विजय जी विजय यादव जी मेरे भाई जैसे हैं बहुत मेहनत से बेचारे बना रहे हैं तो मैं तो उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और जैसा लुक आ रहा है और जैसा जो भी दो चार मैंने देखे हैं गजब है गजब है मतलब वो एक नया ही लुक है फिर ये मान लो कि आप जैसे आसकी था आसकी में कि जी अलग दिखे थे तो मेरे को लगता है इस फिल्म में बोल रहा था बोल में रोमांटिक वाइज वो बहुत अलग टाइप के लग रहे हैं ये ये मेरा मानना है प्रदीप सर हाल ही में मैंने आपका जब इंटरव्यू किया था तो मैंने आपसे पूछा था कि पवन जी के साथ आप फिल्म कब शुरू कर रहे हैं जी। तो अब क्या प्लानिंग है पवन जी को लेकर क्या स्टोरी पे काम हो रहा है अब उनसे बात हुई है स्टोरी को लेकर नहीं मैं पिछली बार ही बोला था कि वो डायरेक्टर जो डायरेक्ट करने वाले थे अपने रजनीश मिश्रा जी वो कोई कोई प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं अब जब तक डायरेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं जाके भी क्या करूँगा स्टोरी भी उनकी है डायरेक्शन भी उनको देना है और बातें हो ही रखी है तो जब चालू करना चाहेंगे तो कम से कम वो आगे बढ़ेंगे पहले वो तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ पर यह मामला है हाल ही में होली एक विवाद पवन जी को लेकर हुआ था कि होली में वो लाइव आए थे उन्होंने मार, मारने पीटने की धमकी भी दी लोगों को इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर न्यूज आ रहे हैं खबरें बन रही है आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुछ नहीं है जीरो है कुछ नहीं है वो 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 देखिए उनका जो बोला हुआ चीज़ सब है <laughs> हंसते हुए खेलते हुए मुस्कुराते हुए बड़ा मारा अब ये वो वो सब उनका दुलार है अपने यूट्यूबर्स जो भी उनको छेड़ते हैं उनके लिए तो वो कौन सा जाके किसी को मारने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं वो दुलार से बोल रहे थे प्यार से बोल रहे थे वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है उनको किसी के कोई उनके पीछे पड़ा था मैं तो नहीं जानता यूट्यूबर का नाम भी नहीं जानता तो आदमी बर्दाश्त करते थे कितना गया तो होली में अपना थे अपना मस्ती में तो वो दुलार से बोल रहे थे कि सुधर जा नहीं तो हम मारब तो वो मारने नहीं जा रहे किसी को और जो भी यूट्यूबर है भाई एकदम से पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी सुपरस्टार के उनकी भी जिंदगी है उनके भी इमोशंस हैं तो ठीक है जहाँ तक हद तक सही हो वैसा बोल सकते हैं कर सकते हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि सुपरस्टार स्टार को आके हसी मजाक में ही सही ऐसा बोलना पड़े तो ये ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सुधार कीजिए प्रदीप सर और आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट से कुछ बताइए हमारे फैंस को मैं बताया ना अभी विधाता है अफसर बिटिया एडिट पे है वो जल्दी आ जाएगी सबका वाप अंगूठा छाप वो वो दिनेश जी आते हैं उसका डबिंग कंप्लीट करेंगे बाकी सब कंप्लीट है तो ये दो तीन फिल्म लाइन से आ रही है थैंक यू तो सो मच हमसे बात करने के करेंगे थैंक यू थैंक यू